स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, फिर टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में जो है दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें जो है सिर्फ एक ही लेंस यूज़ होता है, और ये जो है सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो है वो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो बट ऑब्वियस है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा सेम साइड ऑफ द लेंस। तो एक रे जो है आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास कर दो, ठीक है, और एक रे को जो है आप लोग पैरेलल भेज के एफ से पास कर सकते हो। ये दोनों रेज जो है जिस पॉइंट पे भी मीट करेगी वहाँ पे जो है ये पॉइंट हमारा फोकस हुआ। तो जो पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से पास होगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो गई। ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट करती हुई हमें नज़र आ रही है वहाँ पे जो है हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज़ फाइनल इमेज। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बनी है इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस कैपिटल डी इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो डिस्टेंस होता है ये ह्यूमन आई के लिए जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली नज़र आता है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड हो गया है, और हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है वो यही काम है कि कोई भी छोटी सी चीज़ है उसको मैग्नीफाइड करना, ताकि हम लोग जो है उसको ईजिली देख सकें। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग जो है इसका प्रिंसिपल देखते हैं, और प्रिंसिपल जो है वो यही है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड ओ मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस। व्हेन तो ये प्रिंसिपल है बच्चों, और प्रिंसिपल के बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका दूसरा नाम जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आप लोग जो है लेंस वगैरह में जब पढ़ते हो तब आप लोग जो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पढ़ते हो, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पढ़ते हो, अगर आप लोग जो है कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोग जो है उसको मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जानते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। आई जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पे लेते हैं, हमारी जो आई होती है वो नॉर्मली यहाँ पे होती है, ठीक है, ये हमारी आई है,
और यहाँ से हम लोग जो है हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आता है। तो इमेज जो है वो आई पे क्या एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो आई पे क्या एंगल बना रही है, प्रोवाइडेड बोथ शुड बी एट डिस्टेंस डी। तो हमारा इमेज जो है ये इमेज वो तो हमने डी डिस्टेंस पे है, हमारा ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वर्चुअली डी डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। ये जो एंगल बनेगा विद द आई, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब दोनों अगर हम लोग जो है कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखें तो इमेज जो एंगल बनाएगा दैट इज़ बीटा, एंड ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा दैट इज़ अल्फ़ा। और यहाँ पे मैं इसको टी नाम दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दे देता हूँ और इमेज को ए डैश बी डैश। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाई अल्फा। नाउ एज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हम लोग जो है इसको टेन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम लोग टेन अल्फा लिख सकते हैं। टेन बीटा अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो टेन बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। और टेन अल्फा जो है वो हो जाएगा ए डैश टी अपॉन ए डैश ओ। ये ए डैश ओ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा दिस इज ए डैश पी डैश अपॉन ए डैश टी, और ए डैश टी को मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ये हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, अब ए डैश बी डैश जो है दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी नो दैट फॉर अ लेंस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स मैग्निफिकेशन विच कैन बी रिटन एज वी बाई यू। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन हमें पता है ना वी बाई यू, तो यहाँ पे वी जो है वो एक्चुअली डी डिस्टेंस पे है और यू हमारा यू डिस्टेंस है। अगर हम इसको यू लिखते हैं तो यू इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको मैग्नीफाइंग पावर जो मिलता है वो कितना मिलता है, डी बाई यू। तो लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर ये याद रखें बच्चों। अब इसमें जो है दो केस होते हैं कि अगर जो है स्ट्रेन आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा और नॉर्मल आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई है क्या और फिर हम जो है इस फॉर्मूला को थोड़ा ऐड करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो इतना होता है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि अगर स्ट्रेन आई हो और नॉर्मल आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई है क्या। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन आई क्या है और नॉर्मल आई क्या है। तो स्ट्रेन आई में जो है बच्चों इमेज जो होता है वो डी डिस्टेंस पे बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी। और नॉर्मल आई के केस में जो इमेज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। बच्चों आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक में होता है तो हमें आई स्ट्रेन करनी पड़ती है, और इंसान जो है अगर नॉर्मल आई से देखे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी देख सकता है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल आई जो है इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा और यहाँ पे डी डिस्टेंस पे। तो वी नो दैट
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये लेंस फॉर्मूला है हमें पता है। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन एफ इज वन अपॉन, क्योंकि ये डी डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज और इस साइड बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस डी और ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो यहाँ से हमें मिलेगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। बच्चों आप ये इक्वेशन याद रखो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है स्ट्रेन आई के लिए। आप हमेशा इस इक्वेशन को, जब भी स्ट्रेन आई की बात हो आप ये इक्वेशन याद रख लो कि स्ट्रेन आई के केस में वन अपॉन यू जो होता है वो वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी होता है। हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और नॉर्मल आई में जैसा कि मैंने कहा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, तो हम लोग यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो हमें मिलेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन माइनस यू, जो है ये प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला में मिलेगा वन अपॉन एफ इज वन अपॉन यू। तो नॉर्मल आई के लिए आप लोग ये याद रखोगे कि वन अपॉन यू जो होता है वो वन अपॉन एफ के बराबर होता है, यहाँ पे वन अपॉन यू जो होता है वो वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी होता है। बच्चों ये दो फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद कर लेने हैं। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने अभी पढ़ा कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, फॉर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दैट इज होता है डी बाई यू। अब इसमें अगर मैं जो है स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई की बात करूं, तो स्ट्रेन आई के लिए वन अपॉन यू की जगह हम लोग ये रख देंगे, ठीक है, दैट फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज डी इंटू वन अपॉन यू की जगह हो जाएगा वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, जिससे हमको मिल जाएगा वन प्लस डी बाई एफ। और नॉर्मल आई के लिए वन अपॉन यू की जगह वन अपॉन एफ रख दो तो हमको मिल जाएगा डी बाई एफ। तो बच्चों ये जो दो फॉर्मूलाज हैं मैग्नीफाइंग पावर के, ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है। आप ये कॉन्सेप्ट अगर याद रख लेते हो कि स्ट्रेन आई के लिए इतना होता है नॉर्मल आई के लिए इतना होता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी या थ्योरी भी आप लोग इजीली जो है याद रख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो दो लेंस होते हैं, एक लेंस को हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि इसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ, और दूसरा जो लेंस होता है इसे आईपीस लेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है आई रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्रिंसिपल यूज्ड होता है वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और टू टाइम्स फोकस मतलब एफ और टू एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें पता है कि जो है हमें टू एफ से बियॉन्ड इमेज मिलता है, और अगर ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है आईपीस के फोकस के अंदर हो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ फोकस ऑफ आईपीस, ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर मैं उसके फोकस के अंदर इस इमेज को रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, ठीक है। तो दो बार मैग्नीफिकेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट भी देखने के काम आता है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते हैं, सेल्स वगैरह जो है देखने के काम आता है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल तो बता दिया और अब मैं आप लोगों को मैग्नीफाइंग पावर बताता हूँ। मैं प्रिंसिपल एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पे,
जिससे हमें इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज मिले। अगर ये इमेज आईपीस के फोकस के अंदर होता है तो हमें और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस व्हिच इज़ फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस कैपिटल डी। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज़ नथिंग बट द एंगल व्हिच इज़ सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। आई मतलब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर लेंगे आईपीस लेंस का, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट डिस्टेंस डी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल क्या बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा व्हेन बोथ आर एट डी डिस्टेंस। यहाँ पे मैं इसको ए बी नाम देता हूँ, ये जो पहला इमेज बना है इसको नाम दिया ए डैश बी डैश, और ये जो फाइनल इमेज बन रहा है मैं इसको नाम देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश और ये पॉइंट डी। तो क्योंकि एंगल जो है वो छोटे हैं तो हम लोग बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा ले सकते हैं। टेन बीटा अगर आप यहाँ से देखोगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ओ ही होगा, और टेन अल्फा को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए डबल डैश टी अपॉन ए डबल डैश ओ ही। यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिलेगा देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हिच इज इक्वल टू ए डबल डैश टी जो है उसको हम लोग ने ए बी लिखा है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, और यहाँ पे ये मिलने के बाद जो है हम लोग ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें जो है ये टर्म अगर आप देखो तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। तो ये हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वी बाई यू, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, और एम ई जो है वो हो जाएगा वी ई बाई यू ई, जिसको हम लोग जो है डी बाई यू ई लिखेंगे बिकॉज फॉर आई पीस लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, तो वी की जगह हम लोग ने यहाँ पे डी लिखा है। ठीक है, वी नॉट जो है वो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस आप लोग वी नॉट बता सकते हो, ये डिस्टेंस जो है वो यू ई है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो यू नॉट है। ठीक है, अब हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने जो है पता किया है, तो हम लोग फिर से दो केसेस देखेंगे स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई के। हमें पता है बच्चों स्ट्रेन आई के लिए जो है फॉर्मूला जो होता है दैट इज वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। यहाँ पे हम लोग आई पीस का जो है यू यूज़ करेंगे तो वन अपॉन यू ई इज वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, जिससे हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा फॉर स्ट्रेन आई दैट इज वी नॉट बाई यू नॉट, और डी को भी ऐसे रखते हैं वन अपॉन यू ई की जगह पूरी वैल्यू रख देते हैं दैट इज वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, और ये डी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो दिस इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। तो फॉर स्ट्रेन आई मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस। नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई में जो है वन अपॉन यू इज वन अपॉन नॉर्मल आई में वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ, देयर फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होता है फॉर नॉर्मल आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब बच्चों अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस बताना है, और वो डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो दिस इज वी नॉट प्लस यू ई
इसमें भी आप लोग जो है अगर दो केस लोगे कि फॉर स्ट्रेन आई, ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, फॉर स्ट्रेन आई द लेंथ इज वी नॉट प्लस यू, स्ट्रेन आई के लिए यू ई की वैल्यू हो जाएगी एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। सिमिलरली फॉर नॉर्मल आई लेंथ विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस, नॉर्मल आई के लिए यू ई इज इक्वल टू एफ ई, तो यहाँ पे मैं एफ ई लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूलाज भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर का जो है डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो सेम है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने पढ़ा है, और प्रिंसिपल जो है मैंने आप लोगों को जो है दो बार बता दिया है, तो वो भी मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम लोग जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देख रहे हैं। टेलीस्कोप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा जो है वो है टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसमें हम लोग बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि स्टार्स, ठीक है, या प्लैनेट्स वगैरह। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो बट ऑब्वियस है उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस है एफ नॉट, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ दैट इज एफ नॉट। ठीक है, अगर ये जो इमेज बना है स्टार का यहाँ पे, अगर ये इमेज इसके फोकस के अंदर होता है, मतलब जो आईपीस लेंस है उसका फोकस अगर यहाँ पे होता है और ये इमेज जो है इसके फोकस के अंदर है, तो हमें ऑन द सेम साइड ऑफ दिस आईपीस लेंस मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा विच इज़ फॉर्मड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, दैट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन फॉर दिस लेंस। और ये जो है डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे यू ई, और ये डिस्टेंस हमें पता है एफ नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, बच्चों ये फाइनल इमेज है, ये जो एंगल बना रही है आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पे वो एंगल जो है दैट इज बीटा, और इमेज जो एंगल बना रही है सॉरी ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है आई पीस पे वो होता है अल्फा। यहाँ पे बच्चों क्योंकि स्टार जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वो जो एंगल इस पॉइंट पे बनाएंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगा जो यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट से एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस एंगल को अल्फा लेते हैं, ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल जो है वो भी अल्फा होगा, और टेन बीटा और टेन अल्फा हम लोग जो है ये ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर विच इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा कैन बी रिटन एज टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा जो है वो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ ई, और टेन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। विच इज इक्वल टू ये ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा ए डैश ओ ओ अपॉन ए डैश ओ ई, विच इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है वो है एफ नॉट और ये जो डिस्टेंस है वो है यू ई। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो हमें मिल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो मिल रहा है एफ नॉट अपॉन यू ई, और ये मैग्नीफाइंग पावर जो है आपको याद रखना है। अगर हम लोग जो है फिर से दो केसेस लेते हैं स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई, तो स्ट्रेन आई के लिए हमें पता है
वन अपॉन यू इज़ वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, यहाँ पे हम लोग जो है यू ई लिखेंगे, देयरफॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज एफ नॉट इंटू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। नॉर्मल आई के लिए जो है हमें पता है कि वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ एंड देयरफॉर द मैग्नीफाइंग पावर इज एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो बच्चों ये मैग्नीफाइंग पावर हुआ फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ स्ट्रेन आई एंड नॉर्मल आई। और अगर आप लोगों को जो है लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एल इज नॉर्मल जो लेंथ है वो है एफ नॉट प्लस यू ई, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, दैट इज एफ नॉट प्लस यू ई। और यहाँ पे हम लोग जो है फिर से स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई के लिए ले सकते हैं, तो फॉर स्ट्रेन आई लेंथ इज एफ नॉट प्लस यू ई की वैल्यू हम लोग लिख देंगे एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, एंड फॉर नॉर्मल आई लेंथ विल बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई की जगह हम लोग डायरेक्ट एफ ई रख देंगे। तो ये इक्वेशंस जो है देखिए ये सब इक्वेशंस का जो बेस है वो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन आई के लिए ये केस होता है और नॉर्मल आई के लिए ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका एपर्चर जो है वो ज़्यादा है इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर कम था और आईपीस का ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इसका एपर्चर जो है वो ज़्यादा क्यों होता है। स्टूडेंट्स स्टार्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो और टेलीस्कोप का जो काम है वो है स्मॉल स्मॉल चीज़ों को रिजॉल्व करना। तो ये जो है अगर इसका एपर्चर ज़्यादा होता तो ये ज़्यादा लाइट गैदर करेगा। हमारी जो ह्यूमन आई है उसका एपर्चर जो है बट ऑब्वियस इसके कंपेरिजन में कम होता है तो हम लोग जो है उसको इतना लाइट गैदर नहीं कर पाते हैं। तो इसका काम है ज़्यादा लाइट गैदर करना ताकि जो है हम लोग को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है इमेज ढंग से मिले। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास में होता है, तो ऑब्जेक्ट जो बहुत पास में होगा तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत छोटा बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस स्मॉल होगा तो सारी लाइट जो है वो स्मॉल लेंस में जाएगी और इंटेंसिटी जो होगी वो इमेज की वो हमें ब्राइट नज़र आएगी, इंटेंसिटी अच्छी नज़र आएगी। ठीक है अगर हम बड़ा लेंस यूज़ कर लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस हम बड़ा रखते हैं मतलब उसका एपर्चर ज़्यादा रखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो वो लाइट जो है वो ज़्यादा पोर्शन में डिवाइड होगी। तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल रखना पड़ेगा ताकि लाइट ज़्यादा एक्सपांड ना हो और स्मॉल रीजन में एक्सपांड हो जा ताकि हमें इंटेंसिटी अच्छी मिले इमेज की। ठीक है तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे टेलीस्कोप में जो है आईपीस लेंस जो है वो ट्यूब के अंदर, अगर आप लोग जो है टेलीस्कोप आप लोग ने देखा तो ऐसे ट्यूब होती है जिसमें आईपीस लेंस को हम लोग जो है ऐसे मूव कर सकते हैं जिससे कि हम लोग जो है ये जो इमेज बन रही है इसको हम लोग अपने हिसाब से फिक्स कर सके ताकि हमें फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे मिले। और नॉर्मल आई की केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो है लेंथ इज एफ नॉट प्लस एफ ई, मतलब ये डिस्टेंस तो एफ नॉट है और ये डिस्टेंस तुम्हारा एफ ई होना चाहिए, मतलब लेंथ को तुम थोड़ा दूर शिफ्ट करोगे ताकि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और उस केस में हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो है इमेज मिलेगी। तो जितने भी डायग्राम बनाए हुए हैं यहाँ पे टेलीस्कोप के लिए या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये सब मैंने स्ट्रेन आई के लिए बनाए हैं, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है स्टूडेंट्स तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करें मैसेज करें। ठीक है थैंक यू। ये तीनों टॉपिक जो है बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से
तो इन तीन में से कोई ना कोई टॉपिक के आने के चांसेस रहते हैं हमेशा हर साल, तो आप लोग को जो है इनको ढंग से पढ़ें। हर एक टॉपिक में, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड हो या टेलीस्कोप हो, आप लोगों को जो है उनका प्रिंसिपल लिखना है कि किस प्रकार से फाइनल इमेज हम लोगों को मिलती है, और उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद जो है आप लोग ये डेरिवेशन बता सकते हो। 3 मार्क का टॉपिक आता है, आप लोगों को 3 मार्क इजीली मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।